फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आप समझ के होंगे कि आज का जो वीडियो है वो कलेक्शन ऑफ कार्ड गेम्स। तो ये मेरे कार्ड गेम्स के कलेक्शन बहुत सारे हैं। कलेक्शन दिखाने का मतलब ये है गाइस, इसमें से बहुत सारे जो ऐसे कार्ड गेम्स है जिसके वीडियोस आप देखना चाहते हो, तो उसके इसमें से बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसके सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएंगे, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और जिसके वीडियोस अभी तक नहीं बने हाउ टू प्ले या गेम प्ले, उसके वीडियोस बहुत जल्द मेरे चैनल पे आने वाले हैं। तो प्लीज मेरे चैनल के वीडियोस देखने के लिए और गेम प्ले देखने के लिए और उसको हाउ टू प्ले देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिए। गाइस, सारे गेम के बारे में हम छोटा सा रिव्यू देखेंगे, क्या गेम है, गेम में करना क्या है, बस जस्ट उसका इंट्रो देखेंगे। और ये आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि हम जो एक कार्ड सीरीज का गेम प्ले स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं भी बहुत जल्द हर एक गेम्स का यहाँ पे मैं गेम प्ले बनाऊंगी और उसका सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग गेम देखेंगे जो मेरा बहुत ही बेस्ट गेम है, जिसकी तीनों सीक्वेंस मेरे पास में है। उनो उनो में मेरे पास क्लासिक उनो नहीं है, उनो फ्लिप दोस एंड मैंने अभी अभी परचेज किया त्रेस। तो ये तीनों सीरीज तीनों सीक्वेंस मेरे पास में है। गाइस, उनो और दोस दोनों का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। त्रेस का वीडियो अभी बनाना बाकी है, तो बहुत जल्द इसका भी जो हाउ टू प्ले और इसके जो रूल्स है वो बहुत जल्द इसका वीडियो आने वाला है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आप इन सब कार्ड्स में से कौन सा जो गेम प्ले या हाउ टू प्ले वीडियोस आप देखना चाहते हो, आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हो। या इसके अलावा ऐसा कोई कार्ड गेम है जिसका जो रूल्स है, जिसका हाउ टू प्ले गेम देखना चाहते हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। गाइस, ये तीनों गेम बहुत ही बेस्ट एंड क्लासिक गेम्स है, बहुत ही यूनिक एंड डिफरेंट नंबर गेम्स है, और जिसमें प्लेयर मोस्टली हर एक गेम में ये तीनों में 2 to 6 प्लेयर्स खेल सकते हो, 7 प्लस इसका एज है। तो इससे अलग अलग कंपनी का ब्रांड है, ये जो दोनों है ये है मेटल ब्रांड। और जो त्रेस मैंने परचेज किया है ये फन स्कूल का है, ये मुझे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था त्रेस का वीडियो हाउ टू प्ले करना है, तो उसके लिए स्पेशली वो सब्सक्राइबर के लिए ये मैंने परचेज किया है ये। और सेकेंड ये है मिनिमाइज, ये दो गेम का भी मुझे हाउ टू प्ले वीडियो बनाना बाकी है, तो बहुत ही जल्द इसका वीडियो आने वाला है, हाउ टू प्ले इसके रूल्स एंड गेम प्ले एंड डेमो ऑल्सो, ठीक है। तो ये दो गेम्स का जो वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये गेम कैसे खेलना है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक कर दे। ऐसे ही गेम है ग्रैब एंड बारबी उनो, ऐसे सेम उनो गेम ही है, इसका सिर्फ ग्राफिक्स है, इसके जो कार्ड्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली जो गर्ल्स के लिए बारबी उनो के लिए, तो इस तरह से ये रहेंगे। तो काफी अच्छा गेम है, इसमें एज है 6 प्लस, लेकिन इतना अच्छा ये होने के बावजूद जो मेरी बेटी है 4 ईयर्स की वो भी अच्छी तरह से खेल लेती, तो काफी अच्छा एंड बेस्ट गेम है बच्चों के लिए स्पेशली। और दूसरा ये है ग्रैब, ये भी अभी तक इसका जो हाउ टू प्ले गेम है वो नहीं बनाई हूँ मैंने, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है। इसमें बहुत अच्छी बात की है कि आपको यहाँ पे 4 टाइप के यहाँ पे टॉयज मिलते हैं आपको, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 4 टॉयज टोकन वो इसमें स्पेशली मिलते हैं, ये रेड टेडी, ब्लू बैग, अलार्म क्लॉक ग्रीन एंड लास्ट आउल येलो। तो इस तरह से 4 आपको ना टॉय टोकन मिलते हैं, और आपको कार्ड के जरिए ये टोकन्स को आपको ग्रैब करना होगा। फॉर एग्जांपल ये कार्ड है, ये कार्ड में आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे जो इमेज का जो साइज है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इमेज और उसका कलर इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे ये 4 जो आइकन्स है, ये जो टॉयज है, इससे मैच करता हुआ क्या चीज हम लोगों को वो देख रहे हैं कार्ड में। एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लू कलर का बैग है, तो आपको फॉरन आइडेंटिफाई करना है कि जो बैग है हमारे पास में जो टोकन है वो ब्लू कलर का बैग है, तो यहाँ पे ब्लू कलर का बैग है। तो इस तरह से आपको जो टॉयज है, ये टोकन है, वो ग्रैब करना होता है। आपने अगर सही गैस किया तो आपको ये कार्ड आपके पास हो जाएगा, और जिसके भी पास ज्यादा कार्ड है वो जीत जाएगा। तो इस तरह से ये गेम है। नेक्स्ट है ये मोनोपोली के 2 वर्जन मैंने परचेज किए है, मोनोपोली डील कार्ड गेम, इसका ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, काफी अच्छा है, इसके रिव्यू आप देख सकते हो, काफी अच्छा गेम है, बहुत ही फुल टू मतलब एकदम टाइम पास आप अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल सकते हो, ट्रैवलिंग के लिए सबसे बेस्ट गेम है ये। तो इसका ऑलरेडी वीडियो है, आप लिंक में जाके चेक कर सकते हो, आप इसका गेम हाउ टू प्ले, इसके रूल्स वगैरह क्या है, इसका डेमो क्या है, वो ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मोनोपोली बिट इसका वीडियो अभी तक नहीं बना है, बहुत ही जल्द इसका भी वीडियो आने वाला है।
काफी अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। जो रूल्स इन है ऑलमोस्ट दोनों के, जो कार्ड्स है, जो रूल्स है ऑलमोस्ट सेम, जो ऑब्जेक्टिव है मतलब हाउ टू विन है वो सेम है कि आपको तीन कलर के एक की जैसे प्रॉपर्टी या सेट जमा करना होता है। बस इसमें एडिशनल यहाँ पे बिड है, तो बिड में काफी मजा आता है। यहाँ पे बिड करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी होगी, वहां पे आपको तीनों को या चार या पांच प्लेयर जो भी जितने भी प्लेयर खेल रहे हो आपको एक साथ में आपको वहां पे बिडिंग करनी होती, तो काफी उसमें मजा आता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है मोनोपोली। ठीक है, नेक्स्ट है गाइज वन ऑफ माई फेवरेट क्लूडो सस्पेक्ट। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत ही माइंड गेम है, बहुत ज्यादा इसमें आपको दिमाग यूज करना होता है, आपको इसमें सस्पेक्ट का पता लगाना होता है कि कौन है। तो इसमें आपको अलग अलग क्लूज मिलते हैं, आपको डिफरेंट लोकेशंस मिलती है, वेपन्स मिलते हैं और जो सस्पेक्ट है वो आपको सिक्स मिलते हैं। तो इस तरह से ये गेम होता है। ये गेम है 3 to 4 players का, ये आपको 2 players नहीं खेल सकते। काफी इंटरेस्टिंग गेम है, 8+ गेम है और ये मुश्किल से मेरे ख्याल से 10 मिनट में गेम खत्म हो जाता है। तो ये भी काफी अच्छा गेम है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही बेस्ट गेम है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट सैलेड। पॉइंट सैलेड में आप कार्ड गेम जानते होंगे, बहुत ही अच्छा गेम है, सुशिको से ही इंस्पायर गेम है ये ऑलमोस्ट। फिर अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है ये भी। इस तरह से यहाँ पे वेजेस के इमेजेस होते हैं, तो लुक वाइज ये मुझे कार्ड जो काफी अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छा है। और गेम बहुत ही इजी बिजी गेम है, बहुत ही अच्छा है, जल्दी फिनिश हो जाता है। बस इस पे लास्ट में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, कैलकुलेशन के बाद ही पता चलता है कि कौन इसका गेम का विनर है। तो काफी अच्छा गेम है। ये गेम है 14+ इसलिए लगाइस क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया इसमें गेम्स को विन करने के लिए लास्ट में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये गेम 14+ है। अदरवाइज ये जो गेम है कार्ड गेम है बहुत ही इजी वाला वर्जन है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए थोड़े बड़े बच्चे खेलेंगे तभी वो उसके लिए इंटरेस्टिंग होता है। नेक्स्ट है वन ऑफ माई फेवरेट नंबर कार्ड गेम्स, एक है स्किप बुक और एक है फेस 10। स्किप बुक का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है गाइज, अगर आप देखना चाहते हैं स्किप बुक किस तरह से खेलना है पूरा इन डिटेल में, इसके रूल्स है, हाउ टू प्ले है और जो इसका डेमो है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुकी है। आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट गेम है जिसमें मैं बहुत कम जीतती हूँ, बहुत ही अच्छा गेम है। और नेक्स्ट है फेस 10, ये भी काफी इंटरेस्टिंग गेम है जिसमें आपको यहाँ पे सेट्स बनाने होते हैं, रन्स बनाने होते हैं। रन्स मीन्स सिक्वेंस नंबर के आपको सेट्स बनाने होते हैं, एक सिक्वेंस होता है और इसमें आपको एक रन होता है, एक सेट्स होता है। तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फेसेस होते हैं, तो फेस 10 इसलिए क्योंकि इसमें 10 face होते हैं। तो काफी अच्छा गेम है गाइज, ये भी नंबर्स गेम। इसका वीडियो अभी तक नहीं बना है हाउ टू प्ले, तो बहुत ही जल्द इसका भी वीडियो आने वाला है। अगर आप देखना चाहते हो कि इसका वीडियो में किस तरह से खेलते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए कि इन सब में से कौन सा जो गेम का जो वीडियो आप पहले देखना चाहते हो, तो उसका वीडियो हाउ टू प्ले में बहुत ही जल्द बनाने वाली हूँ। ठीक है, और लास्ट है गाइज ये बैटलशिप। बैटलशिप का अपने जो गेम है आपने देखा होगा वो बोर्ड गेम आता है, तो उसी का ही कार्ड वर्जन है। और गाइज ये मैंने परचेज किया है, कल ही लेकर आई हूँ मैं। और वो जो बोर्ड गेम है ना बैटलशिप का, वो मैं बिल्कुल भी खेलती नहीं, मुझे इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता है, और क्योंकि इसमें हिट करना होता है, डैमेज करना होता है, उस टाइप के जो गेम्स है मैं बिल्कुल भी नहीं खेलती हूँ। बट ये जो कार्ड गेम है ना इसका बेस्ट गेम है, तो काफी अच्छा इंटरेस्टिंग गेम है और बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल वे में बनाया गया है। और सबसे बेस्ट बात यह कि बैटलशिप गेम ये ट्रैवल फ्रेंडली है और इसमें सिर्फ बस इतना मुझे लगता है कि इसमें 2 player ही गेम है और 7+ का ये गेम है और ये गेम है फन स्कूल का। तो आप देख सकते हैं इसका वीडियो अभी तक मैंने बनाया नहीं हूँ हाउ टू प्ले, ये बस मैंने लेकर आई तो मैं ट्रायल देख रही थी कि इसमें खेलना कैसे, तो ये पहले मैं खेल कर देख रही थी कि किस तरह से रहेगा ये गेम। बेसिकली मुझे गेम में स्टार्टिंग में मुझे इतना पसंद नहीं आया था कि ये किस तरह से खेलना है, बट आप देख सकते हो कि इसके कार्ड्स की जो इवन जो क्वालिटी है और जो गेम है काफी अच्छा है गाइस, तो मुझे ये बहुत ही पसंद आया। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो कि आप बैटलशिप कार्ड गेम का वीडियो पहले देखना चाहते हो या आप देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके आप प्लीज बता दीजिए, तो उसका जो गेम्स का जो वीडियो बहुत ही जल्द में फिर आपके लिए बनाऊंगी। ये भी मुझे मेरी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि जो बैटलशिप कार्ड है जो कार्ड गेम होता है, तो वो मुझे उसका वीडियो बनाकर मतलब बताओ हाउ टू प्ले करना है, तो उसके लिए स्पेशली मेरी फ्रेंड के लिए मैंने परचेज किया और उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी। तो ये थे गाइज मेरे कुछ यहाँ पे कलेक्शन, और सॉरी ये भूल गई हूँ, ये है डोबल, सिंपल एंड बहुत ही इजी गेम्स है। और इसका जो कार्ड है ना गाइज देख सकते हो बहुत ही यूनिक है, यहाँ पे
सर्कल वाले में, तो ये इसका यूनिकनेस ही मुझे बहुत अच्छा पसंद आया है इसका से। आपको ये टिन के डब्बे में आपको मिलेगा। तो बेसिकली बहुत ही गेम सिंपल है, इसका भी वीडियो हाउ टू प्ले अभी तक नहीं बना है। आपको यहाँ पे ना कार्ड में ना 8 इमेजेस होती है, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे 8 इमेजेस होती है, और हर एक कार्ड की इमेज ना दूसरे एक कार्ड में दो इमेज जो है ना वो एक ना एक इमेज यहाँ पे आपको मिलेगी ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों कार्ड में आपको देखना होता है कि दोनों कार्ड में कौन सी इमेज सेम है, तो हर एक कार्ड में ना आपको कोई ना कोई एक इमेज कंपलसरी सेम मिलेगी ही मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा येलो, यहाँ पे फ्लैश लाइट है और यहाँ पे भी इसमें फ्लैश लाइट है। डिफरेंस आप देख सकते हो, किसी इमेज को छोटा बनाया, किसी को बड़ा बनाया, किसी को एकदम ज्यादा ही एकदम मिनिमाइज कर दिया, तो उसके हिसाब से आपको ये कार्ड फेंकना होता है। जैसे ही कार्ड आप थ्रो करोगे तो आपको मैच करना है कौन सा आपके हाथ में जो कार्ड है कौन सा इमेज मैच हो रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग गेम है, इसमें छोटे छोटे मिनी ना 5 गेम्स है। तो इसका भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो आप मुझे वो भी कमेंट करके बता सकते हो कि डोबल का आपको देखना है। बहुत ही सिंपल गेम है, बच्चों के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। बच्चे हो या फिर बड़े जो बूढ़े हो, जिनको सिर्फ इमेज देख के आपको मैच करना है, जिनको ज्यादा मतलब कैलकुलेशन वगैरह के गेम जिनको पसंद नहीं आते, तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट और सिंपल गेम है। तो गाइज ये थे मेरे कुछ गेम्स, कार्ड गेम्स। तो आई होप जो मेरे कलेक्शन आपको पसंद आए होंगे। बहुत ही जल्द इसका सीरीज आने वाला है, तो सीरीज देखने के लिए चैनल को देखते रहिए, और देखते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन से गेम सबसे अच्छे लगते हैं कार्ड गेम्स में, या और भी कोई ऐसे गेम्स है जिसका आप वीडियोस देखना चाहते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।